हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। आज ऋषभ इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड आईपीओ का आज लास्ट सब्सक्रिप्शन डेट है। इस देखते हैं हम लोग इसमें कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितने लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया, ये कि इसका हर सेक्टर कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ, टोटल सब्सक्रिप्शन क्या है, इसकी जीएमपी क्या है, इसकी लिस्टिंग होने की कहाँ पर संभावना, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकती है, इन सारी टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ का कल ओपनिंग प्राइस था, कल लिस्टिंग था, तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही जबरदस्त का यहाँ पर लिस्टिंग हुई है, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है इन्वेस्टरों का, लगभग यहाँ पर 75% का मुनाफा दिया है, 75% का मुनाफा अपने इन्वेस्टर को दिया, और यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेकर के बहुत सारे लोग आउट हो गए हैं, लगभग 40% से ज्यादा लोग आउट हो चुके हैं। देख सकते हैं इसमें कितना जबरदस्त का प्रॉफिट बुकिंग आई है, 90 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी, 60 का भी लो लगाया, तो 30 पॉइंट का यहाँ पर ड्रॉ डाउन हो चुकी है। तो अभी इस स्टॉक में क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए या फिर 100% क्वांटिटी छोड़ देना चाहिए, 100% यहाँ पर बुकिंग कर लेनी चाहिए, या ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त का मुनाफा दे सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना इसमें बहुत ही हद तक फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त का वर्क करती है, इसका बिजनेस प्लान बहुत ही शानदार है, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही जबरदस्त है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, जिस तरीके से यहाँ पर लिस्टिंग गेन पर ही एक अच्छा प्रॉफिट दिया है। बट हर स्टॉक का एक पार्टी को हो सकती है, मे भी ओवरनाइट कोई न्यूज आया, अदानी जैसा किसी का भी हाल हो सकता है, तो इसलिए हमें एक पार्टिकुलर स्पेस पर स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करनी चाहिए, ताकि हमारा एनालिसिस रॉन्ग होती है और हमारे अगेंस्ट में चला जाता है, तो फिर हम लोग कुछ पॉइंट्स यहां पर कैप्चर करें। इसकी प्राइस रेंज थी 102 से 108 की इसकी प्राइस रेंज थी, तो कितने लोगों का 108 पर यहां पर बाइंग होगा, कितने को 3 पर, कितने के 4 पे, तो जितने लोगों ने 108 पर बाइंग किया, 102 से लेकर के 8 के रेंज में जितने लोगों का बाइंग प्राइस है, उन लोग का बेहतर है 150 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करना चाहिए, ताकि हम लोग का 50% यहाँ पर मुनाफा बच पाए। यहाँ पर लगभग 75% का मुनाफा दिया, तो 30-35% का मुनाफा बच पाए अगर ये हमारे अगेंस्ट में जाती है। तो आज यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रही है, तो अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर निकल जाती है तो मे बी ये 200 के ऊपर भी निकल सकती है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकती है। बट एक दो दिन का ये खेल नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, महीने दो साल तीन साल भी लग सकती है, उसके लिए ये स्टॉक कहीं पार्टिकुलर स्पेस पर रेंज क्रिएट करेगा या फिर वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, इसके बाद ही हमें एक अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। अभी लिस्टिंग गेन पर ही बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है, तो अभी ये थोड़ा सा प्राइस सेक्शन को बिल्डअप करेगा, थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर सेट होगा, एक शानदार प्राइस सेक्शन बनाने के बाद, एक पार्टिकुलर स्पेस बनाने के बाद नए इन्वेस्टर यहाँ पर इंटरेस्ट लेंगे, तो ही फिर यहाँ पर कुछ हाल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर 150 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करनी है, अगर 150 के बिलो जाती है तो 100% हमें अपना क्वांटिटी छोड़ देना चाहिए, 100% यहाँ से आउट हो जानी चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए, आईपीओ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम लोग ऋषभ इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड आईपीओ की हम लोग सब्सक्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, इसमें एक लॉट यहाँ पर अप्लाई की थी बट यहाँ पर मेरा अलॉट नहीं हुआ, ये देख सकते हैं यहाँ पर नॉट अलॉटेड लिखा, नो आईपीओ अलॉटेड, रिफंडेड ऑफ अमाउंट 14,850 रुपी यहाँ पर हैज बीन इनिशिएटेड ऑन 1 सितंबर। तो आज मेरा अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो चुके हैं, 4 बजे के आसपास में मेरा पैसा लौट गया था, रिटर्न हो गया था, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो यहाँ पर मेरा आईपीओ ये अलॉट नहीं हुआ, अगर ये अलॉट होता तो लगभग 7,500 का प्रॉफिट देता, क्योंकि इसकी जीएमपी बहुत ही शानदार है, लगभग 57-58 रुपये के जीएमपी पर है, इसकी जो लिस्टिंग होने की चांस है लगभग 157 के आसपास में लिस्टिंग होने की चांस है, तो बहुत ही शानदार रिटर्न दे रहा है, ये भी लगभग 75% का मुनाफा दे सकती है, लिस्टिंग गेन इसका बहुत ही शानदार हो सकती है, लगभग 75% का मुनाफा ये भी दे सकती है एरोफ्लेक्स लिमिटेड आईपीओ की तरह। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर ऋषभ इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड आईपीओ की सब्सक्रिप्शन स्टेटस, इसके बाद हम लोग तय कर पाएंगे कि इसकी ओपनिंग कहाँ पे होगी, इसकी लिस्टिंग कहाँ पे होगी।
रिसब इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड आईपीओ यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जो 72.54 टाइम्स सब्सक्राइब किए हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर 31.29 टाइम्स सब्सक्राइब किए हैं, बी एन आई आई कैटेगरी में 34.1 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, एस एन आई आई कैटेगरी में 25.85 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल कैटेगरी भी यहाँ पर बहुत ही शानदार भरा 8.43 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन 31.65 टाइम्स हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा शानदार तो नहीं बोल सकते हैं, बट ठीक ठाक आईपीओ है। यहाँ पर निगेटिव लिस्टिंग नहीं होने वाले है, कुछ प्रतिशत यहाँ पर मुनाफा मिलने वाला है, लगभग यहाँ पर 22% का मुनाफा मिलने का चांस बन रही है। जिस तरीके से इसका सब्सक्रिप्शन है, 31 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो 22% का मुनाफा देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, जिस तरीके से एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड आईपीओ में लोगों का क्रेज देखने के लिए मिल रहा था, उस तरीके का क्रेज इसमें देखने के लिए नहीं मिला ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स में। इसकी थोड़ा सा कंपनी विदेशों में काम करती है, इसकी जो मुख्य दो शाखा पोलैंड में है और एक चीन में है। ये थोड़ा सा कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट्स है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डाउट्स हो रही है कि हम विदेशों में पैसा लगा रहे हैं, बट एक कंपनी इंडिया का है, लेकिन इसका कार्य ज़्यादातर विदेशों में होती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल है लोगों के लिए, लोगों के मन में, इसलिए यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला। इसकी हम लोग GMP की बात करें तो इसकी GMP में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रही है। आज ये 54 रुपये पर ट्रेड कर रही है, अनलिस्टेड मार्केट में 54 रुपये का प्रॉफिट दे रही है, यानी कि इसकी अगर लिस्टिंग होती भी है तो 494 रुपये पर इसकी लिस्टिंग होने का चांस है। इस आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इसकी बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान, फ्यूचर प्लान, इन सारी टॉपिक्स पर हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि आपने उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो अब मैं उसका लिंक एंड स्क्रीन में दे दूंगी, आप वहां पर देख लें तो आपको समझ में आएगा, क्लियरली आप समझ पाएंगे कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए फायदेमंद रहा या नहीं। सबसे बड़ी बात होती है आईपीओ अलॉटमेंट होनी, यदि आपकी आईपीओ अलॉटमेंट होती है तो आपको लगभग 22.5% का मुनाफा देखने के लिए मिल सकती है। इसकी GMP में और उछाल आने का चांस है। 29 तारीख को 83 रुपये का GMP दे रही थी, जो कि 22.5% का मुनाफा दे रही थी। आज इसकी GMP में अचानक घटना शुरू हो गया है, 54 रुपये पर ट्रेड करी, अनलिस्टेड मार्केट में 495 रुपये पर ट्रेड करी है, जो कि लगभग 12.5% का मुनाफा दे रही है, 22.26% का मुनाफा दे रही है। अगर लिस्टिंग इसी के आसपास में रहती, इसकी GMP बहुत ज़्यादा घटती नहीं है, तो लिस्टिंग 12.5% के मुनाफा के साथ हो सकती है। आई होप सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, जय हिंद। फिर से हम लोग मिलेंगे एक नई आईपीओ के लेकर के डिटेल लेकर के, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।